इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया हार की कगार पर है। आपको बता दें कि पहली पारी में 107 रनों पर ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 250 के ऊपर की लीड ले ली है। ऐसे में अब टीम इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ मैच बचाने का एक आखिरी मौका यह होगा कि टीम इंडिया को बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अगर यहां पर बल्लेबाजी फिर फेल हुई तो टीम इंडिया हार ही जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की हार यहां से कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। लेकिन विराट कोहली ने इस मैच के शुरू होने से पहले एक ऐसा दाव खेला था जो उन्हीं पर उल्टा पड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉर्ड्स टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले पूरी धूप खिली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पिच सूखी हुई है और टीम इंडिया के स्पिनर्स यहाँ पर जादू बिखेर सकते हैं, लेकिन एकदम से ओवरकास्ट कंडीशन हुई और बारिश हो गई। पहले दिन का खेल धुलने के बाद जब विराट कोहली दूसरे दिन टॉस करने आए तो उन्होंने तब भी कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया और उमेश यादव को बाहर किया। ऐसे में टीम इंडिया को अब एक पेसर की कमी जरूर खल रही होगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि उमेश यादव अपनी तेज स्पीड से आराम से विकेट निकाल सकते थे जिस तरह की पिच नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि विराट कोहली के सामने अब अगर गेंदबाजी की बात देखी जाए तो सिर्फ टिपिकल दो ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि स्पिनर्स की बहुत पिटाई हुई है। तीसरे दिन कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन को एक भी विकेट नहीं मिला और इसी के साथ ईशान शर्मा और मोहम्मद शमी से ज्यादा ओवर करवाए गए। हार्दिक पांड्या को रेगुलर बॉलर के तौर पर नहीं गेंदबाजी कराई गई, हालांकि हार्दिक पांड्या ने दो विकेट जरूर छटके। ऐसे में अब विराट का कुलदीप को खिलाने का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।